हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोना टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फिशेस। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इसमें डिफरेंट जो है ना वो फीडिंग स्ट्रेटजीज आती हैं। बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जिस जिस चीज़ों पर वो फीड करता है, जो कि उसको जो है वो एनर्जी देते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में आती हैं। ठीक है, तो फीडिंग के लिहाज से इनकी डिफरेंट फीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर हम अर्लियर फिशेस को देखें स्टूडेंट्स, तो जो अर्लियर फिशेस थी वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी, सिंपल थी, और वो फिल्टर फीडर्स और स्केवेंजर्स वाली जो फीडिंग स्ट्रेटजी थी वो ये शो करती थी। फिल्टर फीडर्स क्या होता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थी, ऐसी फिशेस थी जो कि वाटर में से वाटर को इनटेक करती थी, और वाटर में से जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये उनको जो है वो फिल्टर करके उन पर फीड करती थी, या फिर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता वाटर में ये उस पर फीड करती थी। तो इस लिहाज से दो टाइप की फीडिंग स्ट्रेटजी जो अर्लियर फिशेज शो करती थी, नंबर वन इज़ द फिल्टर फीडर्स एंड द सेकंड वन इज़ द स्केवेंजर्स। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे जो है वो इनमें चेंज आता गया, इनमें एवोल्यूशन आती गई, तो इनके जो जॉस जो हैं जॉस फॉर्मेशन आई। ठीक है, हमने देखा था कि जो प्रिमिटिव फिशेज थी जैसे एग नेथन्स थी उनमें जॉस नहीं थे, अपेंडिजेज नहीं थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ग्रेथोस्टोम्स थे उनमें जॉस की एवोल्यूशन आई। तो जब जैसे हमने देखा कि ये एक बड़ी बड़ा एक ये ट्रीमेंडस इट वॉज़ अ माइल स्टोन एवोल्यूशन के जॉस की वजह से इनमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। जाहिर है अगर इनमें जॉस होंगे तो ये वेराइटी ऑफ प्रे पे फीड कर सकेंगे, इनमें जो इनका जो प्रीडेटरी लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर फिशेस। तो इस तरह से वैरायटी जो थी ना फूड की उस पर फीड करने लगे जॉस की प्रेजेंस की वजह से। तो ड्रामेटिकली चेंज आया फिश न्यूट्रिशन में एवोल्यूशन ऑफ जॉस की वजह से। सेकेंडली, जॉस की वजह से क्या हुआ कि जो अर्लियर फिशेस थी वो एफिशिएंट प्रीडेटर्स में चेंज हो गई। ठीक है, इस वजह से जो अब मोस्ट मॉडर्न फिशेस हैं दे आर द प्रीडेटर्स बिकॉज दे हैव जॉस, एंड दैट्स व्हाई दे स्पेंड्स मोस्ट ऑफ देयर लाइफ फॉर सर्चिंग फूड, क्योंकि इन्होंने प्रे अपने इन्होंने शिकार करना होता अपने प्रे का, तो ये अपने प्रीडेटरी लाइफस्टाइल के लिए इनको जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फूड अपना प्रे को सर्च करना पड़ता था। उसके अलावा जो है वो वैरायटी ऑफ प्रे पे ये फीड करने लगे। ठीक है, और जाहिर है इस हिसाब से जो इनकी प्रे है इनका वो भी वेरी करने लगा, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे फीड करने लगे, इंक्लूडिंग इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स। ठीक है, कुछ फिशेज जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स पे फीड करने लगे और कुछ जो हैं वो वर्टिब्रेट्स पे। नेक्स्ट अगर हम देखें इनकी न्यूट्रिशन को, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि एक फिश जो है वो अपनी अर्ली स्टेज से लाइफ से, फॉर एग्जांपल अगर वो लार्वा है तो लार्वा से लेके अडल्ट तक एक ही जो काइंड है न्यूट्रिशन की रखे, नहीं ऐसा नहीं है, जबकि इनमें डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के हिसाब से इनमें डिफरेंट जो है ना वो फूड वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक फ़िश का लार्वा है तो वो प्लांकटोन पे फीड करेगा, ठीक है, जो फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर में ये उन पे फीड करता है, लेकिन जब वो फ़िश एडल्ट में चेंज होती है तो वो लार्ज प्रे पे फीड करेगी, जैसे कि एनिलिड्स या स्मॉलर फिशेस। ठीक है, तो यूजुअली जो होता है वो फिशेस क्या करती हैं, अपना जो प्रे होता है उसी को स्वेलो कर लेती हैं, यानी कि एज ए होल जो है वो अपना प्रे स्वेलो कर लेती हैं, लेकिन जो कुछ फिशेज है मोस्टली जो है वो क्या करती हैं कि जो ऐसे नहीं करती, जिन्होंने अपने प्रे पे फीड करना तो वो अपने टीथ के ज़रिए उसको कैप्चर करती हैं और उसको होल्ड करती हैं प्रे को। उसके अलावा जो इनके जो टीथ होते हैं वो ऐसे मॉडिफाई होते हैं कि जो मोलस्क होते हैं ये उनके शेल को क्रश कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, या फिर आर्थ्रोपोड का जो एग्जोस्केलेटन होता है ये उसको भी क्रैक या फिर क्रश कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स इनमें एक बड़ी ही जो है वो इंटरेस्टिंग फीडिंग स्ट्रेटजी ये शो करते हैं, दैट इज़ सक्शन फीडिंग। सक्शन फीडिंग में क्या होता है कि ये मेथड है प्रे को इंजेस्ट करने का फ्लूइड में से, ठीक है, बाय ओपनिंग माउथ, यानी कि अपना माउथ ओपन रखते हुए जब ये स्विम करते हैं वाटर में से माउथ इनका ओपन होता है, और इनका जो ओपरक्यूलम आता है ना, ओपरक्यूलम हमने देखा था कि कवरिंग होती है गिल्स की, ये उसको ओपरक्यूलम को ये क्लोज कर लेते हैं और रैपिडली माउथ को ओपन कर लेते हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो फ्लूइड आता है इनके माउथ में ये उसमें से जो प्रे होता है उसको जो है वो उस पर फीड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सक्शन फीडिंग कहते हैं। इसके अलावा फिल्टर फीडर्स हमने देखा कि उसमें आते हैं हेरिंग फिशेज हैं, पैडल फिशेज हैं, वेल शार्क्स, हालांकि वेल शार्क इतनी बड़ी फिश है लेकिन वो एक फ़िल्टर फीडर है, प्रीडेटर नहीं है। ठीक है, फ़िल्टर फीडर है जो इनवर्टिब्रेट्स होती हैं वाटर में से उसको फ़िल्टर करते हैं और उस पर फीड करते हैं।
फ़िल्टर फीडर्स अब कैसे हैं, जैसे लेट्स से कि वेल शार्क को हम देखें, तो वेल शार्क में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि इनकी गिल आर्चीज़ होती है ना, ये उसी की ये प्रोजेक्शन होती है गिल आर्चीज़ की ही। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये गिल आर्चीज़ हैं और ये इसकी प्रोजेक्शंस हैं, वो हैं गिल रैकर्स। ठीक है, तो इनमें गिल रैकर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर में से प्लांकटोन को ट्रैप करते हैं, वो भी माउथ ओपन करके। ठीक है, तो ये क्या फ़िल्टर फीडर्स भी क्या है, इसमें भी वो माउथ फिशेज ओपन करती हैं और जब माउथ ओपन करती हैं तो वाटर उनके अंदर जाता है और जो गिल रैकर्स हैं बेसिकली जो गिल आर्चीज़ की प्रोजेक्शंस हैं स्विमिंग के दौरान, ये जो गिल रैकर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो इसमें से वाटर आता है तो इसमें वो प्लांकटोन्स वगैरह जो है उसको ट्रैप कर लेते हैं, उस पर फीड करते हैं। ठीक है, ये गिल रैकर्स आप देख सकते हैं, ये गिल फिलामेंट है, ये गिल आर्च है और गिल आर्च की प्रोजेक्शन के थ्रू जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है गिल रैकर्स का, जो कि फिल्टर फीडिंग में हेल्प करता है वेल शार्क, पैडल फिशेज और हेरिंग फिशेज। स्टूडेंट्स, हम न्यूट्रिशन देख रहे हैं ना, फीडिंग स्ट्रेटजीज देख रहे हैं कि फिशेज़ जो हैं वो किस किस पे फीड कर सकती हैं। अब हमने देखा कुछ जो है वो सक्शन फीडिंग करती हैं, कुछ फ़िल्टर फीडिंग है, इसी तरह से जो अब कुछ और फिशेज़ हैं, अदर फिशेज़ हैं जिसमें फॉर एग्जांपल कार्प आती है, वो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और स्मॉल एनिमल्स पे फीड करती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी स्टडी किया था कि कुछ फिशेज़ होती हैं वो पैरासाइट्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लैम्प्रे की देखा था, लैम्प्रे को एग्जांपल के तौर पे देखा था कि जो ये होती हैं वो अपना जो लिविंग इनका लाइफ टाइम होता है उसके दौरान क्या करते हैं, ये सारी की सारी जो अडल्ट लैम्प्रे होती हैं वो फीड करती हैं दूसरी फिशीज़ पे। ठीक है, इनका जो है वो सकर इनमें प्रेजेंट होता है, उसके ज़रिए ये अटैच होती हैं, तो एज ए उसमें से जो ब्लड फीड करती हैं तो एक्सटर्नल पैरासाइट के तौर पर वो अपनी न्यूट्रिशन जो है वो ऐसे लेती हैं दूसरी फिशी से। उसके अलावा स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी भी फिशीज़ होती हैं जो प्राइमरीली हर्बीवोर्स हैं, यानी कि हर्बीवोर्स पे भी फीड करती हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं प्लांट्स को। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने न्यूट्रिशन पे बात कर ली, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम फिशीज़ का कैसे होता है और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वेरी सिमिलर होता है टू द अदर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जैसे इनमें माउथ प्रेजेंट होता है, इनमें टीथ होते हैं, फेरिंक्स होते हैं, पेरेंक्स का स्ट्रक्चर होता है, गिल रैकर्स होते हैं, इसोफेगस होता है, स्टमक, पाइलोरस, पाइलोरिक, सीका, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये सारे स्ट्रक्चर्स सारी फिशेज़ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ में कुछ प्रेजेंट होंगे, तो वैसे ये जनरली अगर हम देखें तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ओवरऑल फिशेज़ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑल द स्ट्रक्चर्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल फिशेज़, कीप इन माइंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये माउथ से अपनी फूड लेते हैं, माउथ से फेरिंक्स में जाएगा, फेरिंक्स से स्टमक में जाएगा, स्टमक एक इनलार्ज पोर्शन है और इस इनलार्ज पोर्शन में क्या होता है कि फूड स्टोरेज का ये काम करता है। ठीक है, फूड स्टोर होती है और मोस्ट ऑफन इसमें इनफ्रीक्वेंट मील्स को ये स्टोर करते हैं। उसके बाद स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि हमारी बॉडी में भी है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये प्राइमरी साइट है फॉर एंजाइम एक्शन, यानी कि सिक्रीशन के लिए, यानी कि ये प्राइमरी वो पहली साइट है जहाँ पे एंजाइम्स की सिक्रीशन होती है और वहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है, यानी कि फूड की ब्रेक डाउन हो रही है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो शार्क्स या अदर इलास्मोब्रैंक्स हैं, ऐसी स्पीशीज़ हैं, उनमें स्पाइरल वेल्व प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, यानी कि उनका इंटेस्टाइन तो होता है लेकिन इंटेस्टाइन के साथ साथ उनमें स्पाइरल वेल्व का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर कि ये स्पाइरल वेल्व जो है ना, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं स्पाइरल वेल्व है। अब इंटेस्टाइन में स्पाइरल वेल्व का काम ये है कि ये इंटेस्टाइन को एडिशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, कि वो एडिशनली जो है वो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि जो काम इंटेस्टाइन में हो रहा है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एंजाइम की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, फूड डाइजेशन ज़्यादा होगी और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ये इनकी वजह से एडिशनली ये क्या करेंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो है वो कुछ जो बोनी फिशीज़ हैं उनमें कुछ आउट पॉकेट्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर ही कुछ आउट पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं। अब वो क्या है, यानी कि ये भी एक स्ट्रक्चर है जो कि पाइलोरिक सीका जिसको कहते हैं हम। ठीक है, पाइलोरिक सीका, अब इसका भी क्या काम है कि ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है और जो सिक्रीटरी सर्फिसज हैं, यानी कि ये भी एक सर्फिस एरिया जो है वो इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन हो। उसके बाद फूड जो है वो रेक्टम एनस से ऐसे ही जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होती है वो एक्सक्रीट कर दी जाती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फिशेज। स्टूडेंट्स, वी हैव सीन
दैट हाउ डिफरेंट फीडिंग स्ट्रेटजीज एग्जिबिट्स बाय डिफरेंट फिशेज एंड वी हैव ऑल्सो सीन द डाइजेस्टिव सिस्टम इन फिशेज. So if you have any question related to this video, then do let me know in the comment section. And if you like this video, then do like and subscribe and share this video with your friends. Thank you.